हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजाइन योर ड्रीम्स। आज की इस वीडियो में आप देखेंगे नर्सरी क्लास के बच्चों का लेटेस्ट सिलेबस, जिसमें हम हर एक सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे इंग्लिश, मैथ्स, जनरल अवेयरनेस, हिंदी एंड ईवीएस। हर एक सब्जेक्ट में बच्चों को कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं, ये सभी कुछ आज आप इस सिलेबस में देख पाएंगे। क्योंकि बच्चों का एडमिशन स्टार्ट हो गया है, पर स्कूल खुलने में अभी काफी समय है। अगर आप इस सिलेबस को फॉलो करके अभी से ही बच्चे की स्टडी स्टार्ट कर देते हैं, तो उसे काफी हेल्प मिलेगी और उसे काफी समय मिलेगा हर एक चीज को सीखने में। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, पर अगर आप इस वीडियो को कम्प्लीटली देख लेते हैं तो इससे आपको 100% काफी हेल्प मिलेगी। क्योंकि मैं हर एक टॉपिक को एग्जांपल्स के थ्रू एक्सप्लेन करूंगी, जिससे कि आप आसानी से बच्चों को घर पर स्टडी करा सके और आपको बिल्कुल भी डाउट ना रहे। इसीलिए वीडियो को आप जरूर पूरा देखें, और वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज लाइक शेयर जरूर करें, जिससे कि हर किसी को इससे हेल्प मिल सके। तो चलिए हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इंग्लिश के बारे में देख लेते हैं कि बच्चों को किस तरीके से सिखाया जाता है। इंग्लिश में उन्हें सबसे पहले प्री राइटिंग स्ट्रोक्स करवाए जाते हैं, जैसे स्टैंडिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन, लेफ्ट एंड राइट स्लैंटिंग लाइन, लेफ्ट एंड राइट कर्व्स, अप एंड डाउन कर्व्स। बिल्कुल इस तरह से बच्चों को बुक्स में दिया जाता है और उन्हें प्रैक्टिस करवाई जाती है, जहां पर बच्चों को ट्रेस करना सिखाया जाता है। इस तरह से स्टैंडिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइंस, इस तरह से कर्व्स। क्योंकि ये लाइंस के थ्रू बच्चे लेटर्स को लिखना सीखते हैं, इसीलिए उनको स्टार्टिंग में प्री राइटिंग स्ट्रोक्स की ही प्रैक्टिस करवाई जाती है। देन उन्हें कैपिटल लेटर्स करवाए जाते हैं, जो ए से लेकर जेड तक के सभी लेटर्स होते हैं। ओरल और रिटन दोनों बच्चों को करवाया जाता है। ओरल किस तरह से कराया जाता है, उन्हें राइम्स के थ्रू ओरल सिखाया जाता है, जैसे A B C D E F G H I J K L M N O P L M N O P Q R S T U V W X Y Z। इस तरह से राइम्स के थ्रू बच्चों को A से लेके Z तक के लेटर्स ओरल में सिखाए जाते हैं। एंड रिटन की बात करें तो बच्चे को सभी लेटर्स एक साथ बिल्कुल भी नहीं लिखना सिखाया जाता है, उन्हें फोर फोर लेटर्स के थ्रू प्रैक्टिस करवाया जाता है। जैसे स्टार्टिंग में उन्हें ए से लेकर डी तक के लेटर्स की प्रैक्टिस करवाई जाती है, उसे आइडेंटिफिकेशन करना सिखाया जाता है, ट्रेसिंग करना सिखाया जाता है, और ऑब्जेक्ट्स बनाकर दिए जाते हैं जिसे बच्चों को लेटर्स के साथ मैच करना होता है, और सेम लेटर को सेम लेटर के साथ मैच करना सिखाया जाता है। जैसे स्टार्टिंग में उन्हें जस्ट ट्रेस करना होता है, इस तरह से सभी लेटर्स ए से लेकर डी तक के लेटर्स ट्रेस करना होता है। देन इन सभी लेटर्स को आइडेंटिफाई करना सिखाया जाता है अलग अलग एक्टिविटी के थ्रू, जैसे फ्लैश कार्ड के थ्रू सिखाया जाता है ए बी सी, और पिक्चर्स बनाकर दिए जाते हैं जिसे बच्चों को करेक्ट लेटर के साथ मैच करना होता है। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कप, डी फॉर डॉग, और सेम लेटर को सेम लेटर के साथ मैच करना होता है ए बी। इस तरह से फोर फोर लेटर्स के थ्रू बच्चों को आप भी धीरे धीरे प्रैक्टिस करवा सकते हैं। देन बच्चों को सेंटेंस स्ट्रक्चर सिखाए जाते हैं, जिसमें शॉर्ट शॉर्ट सेंटेंसेस होते हैं, जिससे कि बच्चे सेंटेंस को बोलना सीखे। जैसे आई एम ए गर्ल, आई एम ए बॉय, आई एम स्टडिंग इन क्लास नर्सरी, आई लाइक डांसिंग, इस तरह से। इंग्लिश में बच्चों को वोकैबुलरी भी सिखाई जाती है, जिसमें वर्ड्स होते हैं जैसे फैमिली, होम, फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, इस तरह से सभी पिक्चर्स की हेल्प से बच्चों को सिखाए जाते हैं। तो इस तरह से बच्चों को इंग्लिश का सिलेबस करवाया जाता है। अब हम देख लेते हैं मैथ्स का सिलेबस। मैथ्स में बच्चों को सबसे पहले प्री मैथ्स कॉन्सेप्ट सिखाए जाते हैं, जिसमें बिग, स्मॉल, टॉल, शॉर्ट, मोर, लेस, फुल, एम्प्टी, ये सभी कुछ उन्हें पिक्चर्स की हेल्प से सिखाया जाता है। जैसे बिगर, स्मॉलर, बिगेस्ट, स्मॉलेस्ट, टॉलर, शॉर्टर, नियर, फार, लाइट, हैवी, इस तरह से। देन नंबर्स में भी बच्चों को 1 से लेकर 20 तक के नंबर्स करवाए जाते हैं नर्सरी क्लास में, इसे ओरल और रिटन दोनों कराया जाता है। इसमें भी बच्चों को स्टार्टिंग में कुछ ही नंबर्स प्रैक्टिस करवाई जाती है, जैसे 1 से लेकर 4 तक के नंबर्स, उन्हें ट्रेसिंग एक्टिविटी, आइडेंटिफिकेशन, नंबर एंड इट्स वैल्यू,
सीक्वेंस फ्रॉम 1 टू 20 और काउंट, मैथ, सर्कल एंड कलर एक्टिविटी के थ्रू सभी नंबर्स एक एक करके आइडेंटिफिकेशन करना सिखाया जाता है। जैसे ट्रेसिंग करना सिखाया जाता है, फिर उन्हें इस तरीके से ड्राइंग्स दी जाती है जिसे काउंटिंग करके उन्हें सर्कल करना होता है। 1, 2, 3, 4 तो 4 को सर्कल करना है। ठीक इसी तरीके से उन्हें सेम नंबर्स यहाँ पर मैच करना है 2 के साथ, 3, 1 एंड 4 के साथ। आइडेंटिफिकेशन के लिए बच्चों को इस तरह से फ्लैश कार्ड के थ्रू पढ़ाया जाता है, जैसे 1, 2, 3, 4 सीक्वेंस में बच्चों को इस तरह से ड्राइंग्स दी जाती है जिसे बच्चों को नंबर वाइज ट्रेस करना होता है। जैसे यहाँ पर 1 से लेकर 10 तक के नंबर्स की ट्रेसिंग दी गई है, बिल्कुल इसी तरीके से बच्चों को सीक्वेंस के थ्रू प्रैक्टिस करवाई जाती है। देन बच्चों को शेप्स के बारे में पढ़ाया जाता है, उन्हें टोटल 4 शेप्स इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, जैसे सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। एंड उन्हें कलर्स के बारे में भी बताया जाता है, जैसे ऑरेंज, ब्लू, ग्रीन। इस तरह से बच्चों को शेप्स एंड कलर्स के टॉपिक्स भी मैथ्स में कवर किए जाते हैं। कलर्स में बच्चों को इस तरीके के क्वेश्चंस भी करवाए जाते हैं, जैसे व्हाट इज द कलर ऑफ योर टीथ, व्हाट इज द कलर ऑफ योर हेयर, व्हाट इज द कलर ऑफ सन, व्हाट इज द कलर ऑफ ट्रीज एंड व्हिच इज योर फेवरेट कलर। तो इस तरीके की अलग अलग एक्टिविटी के थ्रू बच्चों को पढ़ाया जाता है। अब हम देखेंगे जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में बच्चों को अलग अलग टॉपिक्स करवाए जाते हैं, जैसे मायसेल्फ। मायसेल्फ में उन्हें मायसेल्फ सिखाया जाता है, माय बॉडी पार्ट्स के बारे में बताए जाते हैं, माय फैमिली, माय होम एंड माय स्कूल के बारे में बताया जाता है। जैसे मायसेल्फ में उन्हें इस तरीके की ड्राइंग्स दी जाती है, अगर वो बॉय है तो बॉय में कलर करना होता है और गर्ल है तो गर्ल में कलर करना होता है। बॉडी पार्ट्स के बारे में बच्चों को ओरली सिखाया जाता है, आईज, माउथ, नोज, ईयर। माय फैमिली में बच्चों को इस तरह से सिखाया जाता है, फादर, मदर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर। माय होम में भी बच्चों को पिक्चर्स के थ्रू सिखाया जाता है, जैसे बेडरूम, किचन, बाथरूम, लिविंग रूम। सीजन में बच्चों को ऑल 3 सीजन्स के बारे में बताया जाता है, जैसे समर सीजन, रेनी सीजन, विंटर सीजन। ट्रांसपोर्ट के बारे में उन्हें बताया जाता है, रोड ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट। रोड पे कौन कौन से व्हीकल्स चलते हैं, एयर में कौन से व्हीकल्स चलते हैं, वाटर में कौन से व्हीकल्स चलते हैं। सो इस तरह से बच्चों को ये सभी टॉपिक्स पिक्चर्स की हेल्प से बच्चों को ओरली सिखाया जाता है। फ्रूट्स के बारे में बताया जाता है, एनी 5 फ्रूट्स, एनी 5 वेजिटेबल्स, एनी 5 एनिमल्स, जैसे वाइल्ड एनिमल्स, डोमेस्टिक एनिमल्स। तो इस तरह से बच्चों को पिक्चर्स की हेल्प से जनरल अवेयरनेस दी जाती है। अब हम देख लेते हैं हिंदी का कंप्लीट सिलेबस। हिंदी में भी बच्चों को सबसे पहले प्री राइटिंग स्ट्रोक्स करवाए जाते हैं, देन उन्हें स्वर अ से अह तक पढ़ना और लिखना दोनों सिखाया जाता है। लिखना उन्हें ट्रेसिंग एक्टिविटी के थ्रू ही सिखाया जाता है। देन सभी वर्ण की पहचान अच्छे से हो, इसीलिए उन्हें अलग अलग एक्टिविटी कराई जाती है, जैसे उन्हें सही अक्षर के साथ मैच करना सिखाया जाता है, पिक्चर्स दी जाती है और उस पिक्चर्स को पहचान कर बच्चों को पहले वर्ण पर गोला बनाना होता है। जैसे हिंदी में बच्चों को बिल्कुल इस तरीके से ट्रेसिंग एक्टिविटी कराई जाती है, इसमें अ से लेके अह तक के सभी वर्ण बच्चों को इसी तरीके से ट्रेस करना होता है। सेम वर्ण के साथ बच्चों को मैचिंग एक्टिविटी इस तरह से कराई जाती है। देन पिक्चर्स के थ्रू बच्चों को करवाया जाता है प्रैक्टिस, इस तरह से अ से अनार, छोटी से इमली, उ से उस्तरा, इस तरह से। ये सभी जो स्वर होते हैं बच्चों को छोटे छोटे राइम्स के थ्रू भी पढ़ाया जाता है, जैसे अ से होता लाल अनार, खाओ इसको बार बार, आ से आम, फलों का राजा मैं हूँ आम, सब करते हैं मुझे सलाम। ऐसा करने से बच्चे काफी इंटरेस्ट लेते हैं और वो बहुत ही आसानी से इसे सीख पाते हैं। देन व्यंजन सिर्फ उन्हें मौखिक कराया जाता है, जैसे क से कबूतर, ख से खरगोश, इस तरह से। अब हम देख लेते हैं ईवीएस का कंप्लीट सिलेबस कि ईवीएस में बच्चों को कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं, जैसे अवेयरनेस अबाउट गुड ईटिंग हैबिट्स। बच्चों को गुड ईटिंग हैबिट्स के बारे में बताया जाता है कि खाने के पहले और खाने के बाद हमें अपने हाथों को अच्छे से साफ करना चाहिए। जंक फूड एंड हेल्दी फूड के बारे में बताया जाता है, जंक फूड हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता, इसलिए जंक फूड हमें डेली नहीं खाना चाहिए। हेल्दी फूड हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही जरूरी है, इसीलिए हमें हमेशा हेल्दी फूड खाना चाहिए। जंक फूड जैसे चिप्स, आइसक्रीम, केक और हेल्दी फूड जैसे चपाती, दाल, राइस,
वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सब। इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांटिंग ट्री, ये ट्री का हमारे जीवन में क्या महत्व है, इस तरह से बच्चों को ट्री के बारे में बताया जाता है। देन बच्चों को रोड सेफ्टी एंड ट्रैफिक रूल्स के बारे में बताया जाता है, जैसे रोड पे हमें खेलना नहीं चाहिए, ना तो रोड पे हमें दौड़ना चाहिए। ट्रैफिक रूल्स जैसे कि थ्री लाइट्स के बारे में बताया जाता है कि रेड लाइट क्या कहती है, येलो लाइट हमें क्या कहती है, ग्रीन लाइट्स हमें क्या कहती है। इस तरीके से बच्चों को रोड सेफ्टी एंड ट्रैफिक रूल्स के बारे में बताया जाता है। सेल्फ ग्रूमिंग सिखाई जाती है कि हमें रोज नहाना चाहिए, अपने नाखून को डेली हमें कट करना चाहिए, साफ कपड़े पहनने चाहिए, इस तरह से। यूज ऑफ डस्टबिन, बच्चों को डस्टबिन का इस्तेमाल करना सिखाया जाता है कि हमें डस्ट यहाँ वहाँ नहीं फेंकना चाहिए, हमें कूड़ा कचरा यहाँ वहाँ नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि इससे बीमारियां फैलती हैं, तो हमें हमेशा कचरा डस्टबिन में ही डालना चाहिए। इम्पोर्टेंस एंड पर्पज ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स का इम्पोर्टेंस, एनिमल्स का हमारे जीवन में क्या महत्व है, किस तरीके से एनिमल्स हमारी हेल्प करते हैं, ये सभी कुछ बच्चों को सिखाया जाता है। देन बेसिक मैनर्स बच्चों को सिखाए जाते हैं, जैसे अगर कोई हमारी हेल्प करता है तो हमें थैंक यू बोलना चाहिए, अगर हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तो हमें प्लीज बोलना चाहिए, अगर हमसे कोई गलती हो जाती है तो हमें सॉरी बोलना चाहिए। तो इस तरीके से बच्चों को गोल्डन वर्ड्स बोलना सिखाया जाता है। बच्चों को लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में बताया जाता है, जैसे लिविंग थिंग्स क्या होता है, लिविंग थिंग्स यानी जिसे फूड, वाटर, एयर की जरूरत होती है उसे कहा जाता है लिविंग थिंग्स, जैसे बटरफ्लाई, ट्री, प्लांट, हैंड, बॉय, ये सभी होते हैं लिविंग थिंग्स। और नॉन लिविंग थिंग्स क्या होता है, जिसे फूड, वाटर, एयर की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है उसे कहते हैं नॉन लिविंग थिंग्स, जैसे वाटर बॉटल, फुटबॉल, केक, ये सभी होते हैं नॉन लिविंग थिंग्स। सो इस तरह से बच्चों को ईवीएस के सभी टॉपिक्स एक एक करके पढ़ाए जाते हैं और बच्चों को जानकारी दी जाती है। सो डियर फ्रेंड्स, ये था हमारा कंप्लीट सिलेबस। आप इस सिलेबस को फॉलो करके बहुत ही आसानी से बच्चों को घर पर स्टडी करवा सकते हैं। नर्सरी क्लास के बच्चों की कई सारी स्टडी रिलेटेड वर्कशीट्स ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोड है, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आप देखना चाहें तो लिंक पर क्लिक करके जरूर देखें, उससे आपको काफी हेल्प मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।